तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप सबसे बोलते हैं कि हम जिस भी किसी बाइक का रिव्यू करते हैं उसके जितने कलर वेरिएंट आते हैं वो सारे कलर वेरिएंट आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग घर बैठे डिसाइड कर पाए, अपने फेवरेट कलर को सेलेक्ट कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 मॉडल TVS अपाची RTR 164V के रेड कलर के बारे में। और इसके जो दो कलर और आते हैं जैसे कि ब्लू कलर और ब्लैक कलर, उन दोनों कलर वेरिएंट की वीडियो मैंने पहले बना रखी है। तो अगर आपको उन कलर वेरिएंट का वीडियो देखना है तो ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चाहेंगे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज है हमारे पास इसका रेड कलर। तो ये जो कलर है ये काफी प्यारा लग रहा है, ये पूरी बाइक आपको रेड कलर के साथ मिल जाती है। लेकिन इसमें आपको जो ग्राफिक्स और स्टिकरिंग का यूज देखने को मिलेगा वो आपको व्हाइट कलर के साथ मिलता है, जो कि काफी प्यारा लग रहा है देखने में। तो ये जो इसका रेड कलर है ये आप लोग को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें आपको 2021 मॉडल में आपको क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या नए अपडेट देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इसकी जो 2021 में इसकी प्राइस चल रही है वो कितनी है और इसका ऑन रोड प्राइस कितना पड़ेगा, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप इस बाइक को लेने वाले हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे इन वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो गौर से सुनिएगा, 2021 में इसका जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, इसे आप लोग गौर कर लीजिएगा। तो इसका जो एक्सोन प्राइस निकल के आएगा इसके ड्रम वेरियंट का, वो निकल के आ रहा है 109,570 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और इसका जो दूसरा मॉडल आता है वो आता है डुअल डिश वेरियंट, जिसकी एक्सोन प्राइस पड़ी है वो पड़ी है 112,570 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और इसका जो कंप्लीट प्राइस, इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और साथ ही साथ कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये रेड कलर कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा वही सेम आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देने वाला है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा वॉक मिल जाता है, 270 mm का पेटल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है। गौर करिए कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट पहले भी देखने को नहीं मिलता था, अभी भी आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, केवल इसके फ्रंट के व्हील में आपको ABS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा वॉक मिल जाता है, 90/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसका जो टायर लगाया गया है वो आपको रेडियल का टायर मिलता है, जो कि ग्रिपिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से लुक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट से लुक निकल के आता है वो पहले की तरह ही जैसे BS6 आती थी वैसे ही सेम देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलैम्प के जस्ट ऊपर आप देखेंगे एब्रो के शेप में आपको LED DRL मिल जाता है, जो कि काफी डिफरेंट लुक दे देता है इस बाइक को फ्रंट से। और इसका जो हेडलैम्प मिलेगा वो आपको फुल्ली LED हेडलैम्प मिल जाता है, जिसकी वजह से इसमें आपको जो रोशनी मिलेगी, जो विजिबिलिटी मिलेगी वो आपको काफी बेटर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड इंडिकेटर मिलेगा वही सेम आपको 10 वाट का बल्ब इंडिकेटर मिल जाता है, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम मिलती है क्योंकि ये हार्ड फाइबर्स बनाया गया है। थोड़ा सा इसे आप ध्यान से रखिएगा कि अगर आपकी बाइक गिरेगी ना तो आपका जो साइड इंडिकेटर है वो सबसे पहले टूटेगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के लेफ्ट हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसके लेफ्ट हैंडल बार पे आपको मिल जाता है लो एंड बीम का स्विच मिल जाएगा, पासिंग स्विच मिल जाता है, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। स्विचेस क्वालिटी आपको जो मिलेगी आपको पहले की तरह ही काफी अच्छी देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसके मीटर कंसोल में आपको कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको BS6 वाला मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, इसमें आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर को छोड़ के सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको इंजन मॉल फंक्शन लाइट देखने को मिल जाता है, जो कि BS6 अपडेट के बाद लगभग सभी बाइकों के मीटर कंसोल में देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा अपडेट किया गया है BS6 के बाइकों में। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के राइट हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको रेड कलर का इंजन कूल स्विच मिल जाता है, नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाएगा। गौर करिए कि इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए सेल्फ मिलता है, इसमें से किक हटा दिया गया है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, फ्यूल टैंक के फ्रंट में आप देख सकते हैं RTR 160 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि हर RTR सीरीज की बाइकों में देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसके फ्यूल टैंक के ऊपर आप देख सकते हैं सिंपल सी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, जो कि रेस ग्राफिक है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। फ्यूल
टैंक के दोनों साइड में आप देख सकते हैं, फ्यूल टैंक के काउल पे आप देख सकते हैं रेस एडिशन की आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। ब्लैक कलर का हॉर्स का 3D एम्बर लोगो देखने को मिल जाता है जो कि काफी एग्रेसिव काफी स्पोर्टी लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इसके फ्यूल टैंक के बारे में, फ्यूल टैंक के कैपेसिटी के बारे में, तो इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी निकल के आएगी वो निकल के आती है 12 लीटर की जो कि काफी अच्छी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के सीटिंग कम्फर्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो सीटिंग कम्फर्ट मिलता है ना आपको काफी अच्छी कम्फर्ट देखने को मिल जाती है। इसकी जो सीट की कुशनिंग है ना वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो पिलियन ग्रैबिल मिलता है वो आपको काफी मजबूत और काफी स्पोर्टी डिजाइन में मिलता है जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए साइड पैनल पे आप देख सकते हैं अपाची की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में, तो इसका जो इंजन मिलेगा वही सेम आपको 159.7 सीसी का SI 4-स्ट्रोक 4-वाल्व ऑयल कूल BS6 इंजन देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके मैक्स पावर के बारे में, तो आपको बता दें कि इसका जो मैक्स पावर है ना इसके 2021 मॉडल में 2 BHP इसका पावर बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब इसका जो मैक्स पावर निकल के आएगा वो निकल के आता है 17.63 PS का 9,250 RPM पे। और इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आता है वो भी आपको 0.6 Nm बढ़ा दिया गया इसके 2021 मॉडल में, तो अब इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आएगा वो निकल के आएगा 14.73 Nm का 7,250 RPM पे। और इसका जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलेगा वही सेम आपको RTFI मिल जाता है, यानी कि रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। और एक बात और दोस्तों, इसके 2021 मॉडल में आपको GTT टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। इसका यूज ये होता है कि अगर आप किसी ट्रैफिक एरिया में है तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग को क्लच के साथ साथ आपको एक्सलेटर लेना पड़ता है, लेकिन अब आपको GTT टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोग को एक्सलेटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग धीरे धीरे क्लच को छोड़ते जाएंगे तो आपकी जो बाइक है ना वो बंद नहीं होगी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी, जो कि काफी अच्छा अपडेट किया गया है TVS की तरफ से ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए, जो कि काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी दे दी गई है TVS की तरफ से। और वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको पिलियन फुटरेस मिल जाता है, इसमें आपको लेडी फुटरेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसमें चाहेंगे तो आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन के थ्रू आप इसमें लेडी फुटरेस लगवा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका जो चैन मिलेगा वो आपको लो मेंटेनेंस बोरिंग वाली चैन मिल जाती है, तो अगर आप इसे टाइम टू टाइम चैन लूप चैन क्लीन करते रहेंगे तो आपके चैन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के रियर से लुक के बारे में, इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर टेल लाइट मिलेगा वही सेम आपको फुल्ली LED टेल लाइट मिल जाती है जो कि काफी प्यारी और काफी स्पोर्टी लगती है देखने में। और यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टर लगाया गया है, दोनों साइड में आपको येलो कलर का रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छा अपडेट किया गया है TVS की तरफ से। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये 2021 मॉडल है या फिर 2020 मॉडल है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके रियर प्रोफाइल में आप देख सकते हैं 2 स्टिकर देखने को मिल जाता है व्हाइट कलर पे। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे ना तो वहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसका 2021 मॉडल लेते हैं जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो अगर आप इसका 2021 मॉडल है या फिर 2020 मॉडल है अगर आप उसको लेके कंफ्यूज हैं, तो आप लोग रियर प्रोफाइल में जाके इसका स्टिकर देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 2020 मॉडल है या फिर 2021 मॉडल है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के रियर सेक्शन से, तो यहाँ पे देखिए इस साइड पैनल पे आप देख सकते हैं RTR 164V की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें इस बाइक के रियर सेक्शन से, तो यहाँ पे देखिए ये इसका डुअल डिस्क मॉडल है, तो इसमें आपको 2 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा विद सिंगल चैनल ABS के साथ। और अगर आप इसका सिंगल डिस्क मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा विद सिंगल चैनल ABS के साथ। और इसका जो रियर टायर निकल के आता है अगर आप इसका ड्रम मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 110/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। अगर आप इसका डिस्क मॉडल लेते हैं जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसमें आपको जो रियर टायर मिलेगा वॉक मिल जाता है 130/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो फ्रंट टायर रहेगा दोनों ही बाइकों में आपको सेम देखने को मिलेगा। और इसका जो रियर सस्पेंशन निकल के आता है वो निकल के आता है मोनोशॉक एब्सॉर्ब सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देने वाला है। और वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके एग्जॉस्ट के फ्रंट में आप देख सकते हैं एक मोटा सा पाइप लगाया गया है जो कि इसका कैटालिटिक कन्वर्टर है, जो कि BS6 अपडेट के बाद लगभग सभी बाइकों के एग्जॉस्ट के फ्रंट में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा अपडेट किया गया है पर्यावरण को साफ रखने के लिए। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से डायमेंशन के बारे में, तो इसका जो ओवरऑल हाइट निकल के आता है वो निकल के आता है 1050 mm का। इसका जो लेंथ मिलेगा वॉक मिल जाता है 2035 mm का। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस निकल के आता है वो निकल के आता है 180 mm का। इसका जो व्हील बेस निकल के आएगा वो निकल के आता है 1357 mm का। इस बाइक का जो कार्बेट निकल के आएगा अगर आप इसका ड्रम मॉडल लेते हैं तो उसका जो वेट पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 145 kg का। अगर आप इसका डिस्क मॉडल लेते हैं तो उसका कार्बेट निकल के आता है 147 kg की ये बाइक देखने को मिल जाएगी। और इसका जो सीट हाइट निकल के आता है वो निकल के आता है 800 mm का। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी वो आपको मिल जाती है 12 लीटर की, जो कि काफी अच्छी फ्यूल
बूस्टिंग कैपेसिटी दी गई है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के डायमेंशन के बारे में, अब बात करते हैं फाइनली इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, कंप्लीट बाइक के प्राइस के बारे में कि अगर आप इसका 2021 मॉडल लेते हैं तो आप लोगों को कितना प्राइस पे करना पड़ेगा कंपनी को, तब आपको ये बाइक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसका जो एक्सोन प्राइस है वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता रखी है। और एक बात और दोस्तों आपको बता दें, जो बाइक की प्राइस होती है ना वो हर एक दिन पे आपको क्या कहते हैं ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है। तो हम आपको जो प्राइस बता रहे हैं ना उससे आप लोग अपना एक बजट सेट कर पाएंगे। तो इसका जो एक्सोन प्राइस है वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता रखा है। अब बात करते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो अगर आप इसका ड्रम मॉडल लेते हैं तो वो लगभग आप मान के चलिए 1,32,000 से 1,34,000 के बीच में आपको इसका सिंगल डिश मॉडल देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसका डुअल डिश मॉडल लेते हैं जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वो लगभग आप मान के चलिए 1,34,000 से 1,36,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा इसका 2021 मॉडल। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, इसके चेंजेस जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगा ये कलर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका फेवरेट कलर कौन सा है नीचे कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी और ये कलर अच्छा लगा तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन करना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आप लोग को स्क्रीन पे हमारे इंस्टाग्राम ID शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।